नहीं गया तो उन बर्तन कितना दिन होगा? सात महीने हो गए, छह महीने हो गए। मेरी बात सुनो, नहीं बंद होगा बिल्कुल भी आप। हाँ नहीं बंद होगा। आप मुझे जवाब नहीं है मेरे पास में, आप ये बता दो। नहीं जवाब है तो कोई बात नहीं, आप बोलो तो सुनो। जवाब नहीं है, आपने जैसे दिन मैं SDM को ज्ञापन दिया, आप मेरे कुटिया पे गए, आपको कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? बताओ, बोला बाबा 5-7-10 दिन में कर दे, 10 तक कर दो आप। आपने मेरे, हमने तलाश कर ली, तलाश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला अभी तक। वो मिलेगा भी नहीं, तुम सब एक हो, सब एक मिले हुए हो तुम पुलिस वाले। कोई नहीं मिले हुए, मिले हुए हो राजेंद्र। मेरे को जान से मारने का खतरा है, मेरे को जान से मारने का खतरा है राजेंद्र जी। अपने भांजे आप रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट करूंगा, सारी बात करूंगा। लेकिन आपका, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका ईमान काम मर गया? आपका वो बाबू जी की बिल्कुल ईमान से काम कर रहे हैं? नहीं कि आपने ईमान से काम, मुझे आज 2 साल होगी डोलते डोलते। तो ये है कि हमारे जेब के अंदर तो है नहीं कि जो हम आपको, नहीं है कि जिस दिन आपने 10 तक क्यों करवाया मेरे से? अब बाबा हमें प्रशासन से मत मरवाओ। आपने ये बात कही कि नहीं कही? नहीं कही मैं मेरी कुटिया पे नहीं गए आप? गए, बिल्कुल गए। दस्तक करवा के लाए? दस्तक करवा के। क्या कहा आपने? क्या 10 दिन में काम? हमने यही कहा कि तलाश कर रहे हैं, 10 दिन में काम कर दूंगा मैं आपका। हम, मैंने कोई सियाई साहब भी आ जाते हैं आज, खुला यही बात चलेगा के आपने बहुत दिन होगा ऐसे के। अब आप ये कह रहे हैं ना, आपको जो मेरे को राजेंद्र जी मारने के लिए अपना भांजा भेज दिया, तो आप ऐसे करो नहीं, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करी थी, पुलिस सुनती नहीं है। शेर का भाई वगैरह वो नो तो तेरा, तुम सब मिले हुए हो, एक थाली के चट्टे बट्टे हो। कोई नहीं मिला हुआ है। कहाँ गया तो तुम्हारा ईमान? किसका? आपका। हमारा काम है कार्य करने। क्या काम है आपका? काम हाँ। आपका काम कुछ नहीं है। आपने 1000 रुपये भी लिए मेरे से? कौन कहता है? मैं कह रहा ये बात। किसने दिया? आपके ड्राइवर को दिया मैंने 1000 रुपये। तो किसी को दे? आप मेरी कुटिया पे गए, मेरे को आपने पूछा, मैं पैसे दे रहा हूँ साहब। मेरी कुटिया पे आप गए, मेरी बात सुनो। आपको 1000 रुपये दिया मैंने? मेरे को आपने भैया क्या मैं पैसे दे रहा हूँ या मेरे को आपने मेरे सामने दिए? आप ये सामने तेरे को ये किसको दे? आपके सामने दिए मेरे को? मेरे को नहीं, तो आपने कोई पैसा दिया नहीं। देखिए साहब, मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध करता हूँ, ये पुलिस थाना सरदार शहर है, मेरी चोरी हुए काफी दिन होगा और सब पुलिस वाले झूठ पाखंड कर रहे हैं। क्या अब सियाई साहब है नहीं यहाँ पे? सब मिले हुए हैं और मैं आता हूँ जब इनको तकलीफ होती है। बाबा क्यों डोलता है? इतनी भ्रष्ट पुलिस सरदार शहर की मैंने आज तक देखी नहीं है। मेरे पास पुख्ता सबूत है, ये सरदार शहर थाना है, ये देख लीजिए। बड़े दिन हो गए मेरे को इस पुलिस से परेशान होते। इतनी भ्रष्ट पुलिस है सरदार शहर जिसकी कोई हद नहीं। मेरे पास पुख्ता सबूत है, ये सरदार शहर थाना है, देख लीजिए, ये सरदार शहर थाना है। कभी कोई अधिकारी मेरे को दिलासा दे देता है, कभी कोई अधिकारी। और झूठ पाखंड, इतने गिरे हुए इंसान मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखे। अभी सियाई साहब और आ जाते हैं, उनसे बात करूंगा। राजेंद्र थानेदार लुक जाता है मेरे को देखते ही। यह है पुलिस की हकीकत, यह है पुलिस की हकीकत। राजेंद्र थानेदार मेरे को देख करके लुक जाता है क्या? और मेरे को बोलते हैं बाबा किस लिए डोल रहा है यहाँ? ये सरदार शहर पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट है, घनी गिरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, मुझे इसका न्याय चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा इसी थाने में, और प्रशासन व पुलिस जवाबदार होगी इस बात का। लाइव चल रही है आज मेरे पास। इस मदन जी थानेदार ने मेरे को कुटिया पे गए, वहां पे मेरे से दस्तक करवा लाए, बोलो बाबा आपका 10 दिन के अंदर काम कर देंगे। 1000 रुपया दिया इनको, कोई शर्म लाचारी नहीं है इनको। कोई आपको दिया, आपके ड्राइवर को दिया। ड्राइवर कौन था? वो ड्राइवर अभी बुलाऊं उसको? उसको बुला लो, वो लॉकडाउन है, आती नहीं। मेरे को पूछ के आपके पास आप ये है कि आप किस आपको दिए थे? बोलो बाबा आया हूँ तेल फूक के, मगर तेल फूक के आया तो ले 1000 रुपये। मैंने आपके 1000 रुपया दिया मैंने आपको। यह है सरदार शहर पुलिस का SI मदन जी, 2 साल हो गए इसने। और नहीं, मैंने आपके पैसे मांगे और नहीं आपको कहा मैंने। मैंने आपके ड्राइवर को दिया, ड्राइवर को दिया, और किसको दे? ड्राइवर को दिया, और ड्राइवर
मेरे को कहा क्या आपने? चलो वो नहीं कहा, लेकिन आपने ये क्या सिखाया, 10 दिन के अंदर काम कर दूंगा बाबा, इस पे साइन करो। मैं पैसे दे रहा हूँ, इस पे साइन करो। मैंने साइन कर दिया, और आप तुम्हें शर्म नहीं है किसी चीज की? हम तलाश कर रहे हैं। हम क्या तलाश करोगे, तू 2 साल हो गई, तुम सब मिले हुए हो, तुम सब मिले हुए हो चोरों से, सब चोरों से मिले हुए हो आप। ये कह सकते हो, कह सकते हो ये आप सियाही और आ जाते हैं, सियाही साहब उससे भी बात करेंगे आज के लिए ऑनलाइन। ये भ्रष्ट पुलिस है, सरदार शहर पुलिस भ्रष्ट है, सरदार शहर पुलिस भ्रष्ट है। मेरे पास पुख्ता सबूत है, इनकी 250 काल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं माननीय एसपी साहब से निवेदन करता हूँ, इन भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी जाए, जेल करी जाए, इनकी घने गिरे हुए हैं बिल्कुल अति। ये आगे शीश है सियाही साहब, इनसे बात करेंगे आज। आज ही सियाही साहब, ये देखिए सियाही साहब बात नहीं कर रहे हमसे, देखिए हाजी शाही साहब, महाराज चोरी वाला का क्या करोगे आप बताओ? आप जिस दिन हमारे, हमने प्रयास कर लिया बाबा जी, आप अनावश्यक पुलिस को परेशान कर रहे हो, अनावश्यक आप नाटक कर रहे हो। आप मैं नाटक कर रहा हूँ? आप परेशान कर, आप मेरी कुटिया पे गए, हम मेरी कुटिया पे गए, एसडीएम के साथ चल नहीं सकते हम, उसके बावजूद हम क्यों डोले साथ? आप तनख्वाह आप लेते हैं, हम लेते हैं, हम जा रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, कहीं नहीं जाते आप सब, अभी लॉकडाउन में नहीं जा सकते। सारी पुलिस मिली हुई है चोर से, राजेंद्र थानेदार अपना भांजा मारने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद भी बेईमान हो सकते हो, परंतु हमने दिए नहीं कहा कभी आपको। आप मेरी कुटिया पे गए एसडीएम के ज्ञापन के लिए, आपने क्या कहा? हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दे दिया मैंने दोबारा ज्ञापन, और अब मैं कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट। लेकिन लेकिन आपने जिस दिन ये क्यों कहा, आपने अपना ईमान क्यों बेचा जिस दिन ये कहा कि बाबा 10 दिन में मैं आपका काम कर दूंगा, आप दस्तक कर दो? मेरे पास आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है इस बात की, मैंने टाइम पीरियड का कोई आपके पास, मैं इतने दिन में कर दूंगा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है आप जो करना है। ये सियाही साहब सतीश जी है, सब पुलिस वाले, मैं गारंटी से कहता हूँ ठोके परेशान कर रहे हो, भ्रष्ट है कोरोना काल में, सरकार शहर पुलिस चोरों से मिली हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। राजेंद्र थानेदार मेरे को अपना भांजा मारने के लिए भेजा है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे को जान का खतरा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मेरी नहीं सुनी, इसी थाने में आत्महत्या करूंगा, पुलिस व प्रशासन जवाबदार होगा इस बात का। यह है सतीश जी यादव, इन्होंने इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब तो ये नट रहा है कि मुझे आश्वासन नहीं दिया एसडीएम साहब का, जिस दिन मेरे से साइन करवा लाए बाबा 10 दिन में काम कर देंगे। इनको कोई शर्म नहीं है, कोई इनकी इज्जत नहीं है, कोई ये जानते नहीं है किसी भी चीज को। 2 साल हो गए मुझे चक्कर काटते, जिस दिन इस कुर्सी पे ये सतीश यादव आए थे, बोला बाबा 5-7 दिन में आपका काम कर दूंगा, आज 7 महीने हो गए इनको यहाँ आए हुए, लेकिन कोई शर्म लाचारी नहीं है इनको बिल्कुल। मैं ये अधिकारी मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ सरदार शहर पुलिस भ्रष्ट है। अगर कोई अधिकारी मेरी बात को सुन रहा हो, मैं दावे से कहता हूँ सरदार शहर पुलिस भ्रष्ट है। जय हिंद जय भारत।